सब्सक्राइब कीजिए टेक इन इंसन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है रिलायंस जियो का जियो 56। जियो के जितने भी वाईफाई रूटर्स है उसमें से ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस वाईफाई रूटर है। दोस्तों इस वीडियो में हम जियो के इसी वाईफाई रूटर का अनबॉक्सिंग करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक इनोवेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है रिलायंस जियो का जियो 56। ये एक पोर्टेबल वाईफाई रूटर है। इसका मॉडल नंबर है JMR 815। बॉक्स के ऊपर जियो का लोगो है और यहाँ पर लिखा है डिजिटल लाइफ। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल प्राइस दिया गया है जो कि 2499 रुपीस है, लेकिन आप इसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से 999 में खरीद सकते हैं। यहाँ पर इसका सार वैल्यू दिया गया है जो कि 0.755 kg पर हेड है और इसका वेट है 210 ग्राम। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर सबसे पहला मिलता है डिवाइस। यहाँ पर लिखा है प्रेस हियर। इसको प्रेस करते ही ये कवर ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये रहा जियो 5 डिवाइस। बहुत ही कॉम्पैक्ट है और देखने में भी बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। फिलहाल इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या है। यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया गया है, इसके बाद वारंटी कार्ड है, इसके साथ में जियो 4G वॉइस को कैसे यूज करना है इसके बारे में दिया गया है। जियो 4G वॉइस ऐप को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद मिलता है डेटा केबल। ये एक USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। इसके बाद मिलता है ये ट्रैवल चार्जर। इसका रेटिंग है 5 वोल्ट 1000 एम्पियर। और सबसे आखिर में मिलता है बैटरी। ये एक रिमूवेबल बैटरी है और इसकी कैपेसिटी है 3000 mAh। दोस्तों जियो के बाकी जितने भी वाईफाई मॉडल्स है जिसमें ये सबसे ज़्यादा बैटरी के साथ आता है। तो बस यही सारे चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा जियो 5 डिवाइस। दोस्तों इसका डिज़ाइन सर्कुलर है, ऊपर जियो का लोगो दिया गया है, बैक साइड में बटन्स के फंक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है और जियो 4G वॉइस के बारे में भी दिया गया है। ये डिवाइस प्लास्टिक का बना हुआ है और साइड में शाइनी ब्लैक कलर का फिनिशिंग दिया गया है। यहाँ पर 3 इंडिकेटर लाइट्स दी गई है, पहला है बैटरी लेवल का, दूसरा है नेटवर्क सिग्नल का और तीसरा वाईफाई सिग्नल का है। इसके साइड में पावर बटन है और WPS का बटन दिया गया है। इस तरफ माइक्रो USB पोर्ट है जिससे आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रो USB के जरिए अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके नेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप डिवाइस से एक बार 32 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 31 डिवाइस वाईफाई के थ्रू और एक डिवाइस USB थ्रेडरिंग के जरिए यूज कर सकते हैं। तो इस डिवाइस का बैक कवर को यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जिसमें आप 64 GB तक SD कार्ड डाल सकते हैं और इसके साइड में नैनो सिम स्लॉट दिया गया है, इसमें आपको जियो का सिम डालना है। ये डिवाइस सिर्फ जियो सिम को सपोर्ट करता है, आप इसमें कोई दूसरे ऑपरेटर का सिम यूज नहीं कर सकेंगे। तो चलिए इसमें सिम कार्ड डालते हैं। मेरे पास यहाँ पर जियो सिम है, इसको डालते हैं। तो ये रहा, इसमें सिम डाल दिया है। अब इसमें माइक्रो SD कार्ड डालते हैं। फिलहाल मेरे पास है ये 16 GB का माइक्रो SD कार्ड, इसे डालते हैं और इसे लॉक करते हैं। दोस्तों आप इस डिवाइस से अपने SD कार्ड में जितने भी डेटा है उसे दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसमें बैटरी डालते हैं और इस कवर को बंद करते हैं। ये रहा, बंद हो गया। दोस्तों बैटरी कंपार्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसमें इसका SSID और पासवर्ड दिया गया है। आपको बैटरी डालने से पहले ही इसे नोट कर लेना है। तो चलिए इसे पावर ऑन करते हैं। दोस्तों इसे पावर ऑन करने के लिए इस पावर बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ये देखिए ये ऑन हो गया है, यहाँ पर ये बैटरी इंडिकेटर दिखा रहा है। इसके बाद थोड़ी देर वेट करना है, ये डिवाइस बूट हो रहा है।
यह पूरी तरह से बूट हो गया है और यहाँ बैटरी इंडिकेटर ग्रीन कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है करके। अभी नेटवर्क सिग्नल को सर्च कर रहा है और यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल भी ऑन हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, नेटवर्क का सिग्नल भी आ चुका है। दोस्तों अब ये डिवाइस पूरी तरह से हॉटस्पॉट की तरह काम करने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन के साथ। इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में वाईफाई को ऑन करना है। इसके बाद जो SSID है इस डिवाइस का वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये रहा इसका SSID, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको इसका पासवर्ड डालना है। इसका जो पासवर्ड है वो आपको बैटरी कंपार्टमेंट में मिल जाएगा या फिर इसके बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अब कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये लीजिए अब ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों आपको इस JioFi डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करने के लिए अपने सिस्टम को या फिर फ़ोन को कनेक्ट करना है। उसके बाद ब्राउज़र ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको टाइप करना है http://jiofi.local.html, फिर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे इस डिवाइस की जितने भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों अगर आप इस डिवाइस का सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं जैसे कि इसके SSID पासवर्ड, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जगह में एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करना है और फिर लॉगिन पर टैप करना है। यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर LTE सेटिंग है। आप यहाँ से APN चेंज कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स में नेटवर्क मोड, वाईफाई सेटिंग्स, SSID और पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर स्टोरेज पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी मैंने microSD कार्ड डाला है उसमें जितने भी फाइल्स है उसे यहाँ पर एक्सेस कर सकेंगे। ये देखिए जितने भी फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब microSD कार्ड में है जो इसके अंदर डाला हुआ है। यहाँ से आप किसी भी फाइल्स को देख सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो, अगर इस फ़ोटो को डाउनलोड करना है तो इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करना है। ये रहा ये फ़ोटो डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों ये रहा रिलायंस जियो का JioFi 6 वाईफाई रूटर। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और आप इसे एक साथ में 31 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे आप 150 Mbps की स्पीड से डेटा यूज कर सकते हैं। इसमें 3000 mAh की बैटरी है जो चार्ज करने के लिए आपको करीब 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे और फुल चार्ज पर ये बैटरी 8 से 10 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज देगी। तो दोस्तों ये JioFi डिवाइस आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट्स कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और टेक इनोवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।